हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे प्रिंसेस कट विथ बैक डीप नेक यहाँ पे स्टिचिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंच नीचे की तरफ बेल्ट बनाई है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो लिया है वो फ्यूजिंग कर किया हुआ फैब्रिक मैंने लिया है। और यहाँ पे जब भी हम प्रिंसेस कट को स्टिच करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, हमें नीचे से ही प्रिंसेस कट को स्टिच करना स्टार्ट करना है, ऊपर से स्टिच नहीं करेंगे। और यहाँ पे ना ही हम नीचे वाले पार्ट को खींचना है और ना ही ऊपर वाले पार्ट को खींचना है, हमें दोनों को ऐसे नॉर्मली रखना है। और इसको स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ऐसे मैं दूसरी तरफ से भी प्रिंसेस कट को स्टिच करूँगी, वो भी हमें नीचे से ही स्टिच करना है अपना प्रिंसेस कट। प्रिंसेस कट को स्टिच करने के बाद यहाँ पे हमें इसको प्रेस के साथ कैसे बिठाना है वो तरीका भी आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दोनों को हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे इसको, इस सिलाई को यहाँ पे ऐसे खोल के रखना है और कपड़े को सेंटर से ऐसे उठा देना है, हाफ तक हमें प्रेस करना है। और फिर दूसरी तरफ से इसको प्रेस करना स्टार्ट करना है। और जब सेंटर में आएंगे तो कपड़े को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो अब हम फ्रंट से इसको प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद हमने अपना बैक डीप बनाया है, जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने 3 इंच नीचे के लिए हुक्स के लिए मैंने पट्टी रखी है, बाकी मेरा डीप नेक है यहाँ पे। तो हम पेस्टिंग को यहाँ पे अच्छे से ऐसे प्रेस के साथ बिठा लेंगे और ऊपर की तरफ हमें पेस्टिंग को एक्स्ट्रा रखना है। और बैक में हमारी क्लिप है तो हमारे यहाँ पे 2 पार्ट कट होंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैं अपने नेक को यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। तो मैंने जैसे बताया है कि ऊपर की तरफ हमने एक्स्ट्रा नेक को कट किया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे और सेंटर से अपने नेक को कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट की लाइनिंग के ऊपर मैं अपनी पेपर पेस्टिंग को अच्छे से फिक्स कर लूँगी, सेम ऐसे ही जैसे हमने इसको कट किया है। हम अपने फ्रंट के लिए भी अपने नेक को ऐसे ही कट करेंगे। और तो मैंने फ्रंट के लिए नेक को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है और लाइनिंग को मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया था। अब मैं नेक के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी और इसको एंड तक मैं यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे उसके बाद हम अपने नेक के किनारे किनारे के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे कट देंगे ताकि हमारा नेक ईजिली फोल्ड हो जाए और जो मार्जिन है हमारा वो लाइनिंग की तरफ रहेगा। और बिल्कुल इसके किनारे किनारे के ऊपर अब हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम अपने नेक को अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने अपने नेक को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमने जो अपेक्स पॉइंट का यहाँ पे सेंटर में निशान लगाया था, ये मेरा अपेक्स पॉइंट का सेंटर है, वहाँ पे हमें कप अटैच करने हैं। ये कप की उल्टी तरफ है, यहाँ पे हमें इसका सेंटर करके ऐसे निशान लगाना है और दूसरी तरफ से सेंटर करके इसको ऐसे प्लस का निशान बनाना है। अब इस प्लस के निशान के सेंटर में हमें अपेक्स पॉइंट के सेंटर को यहाँ पे ऐसे रखना है और इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारे कप इजीली स्टिच हो जाएंगे। तो मैं एक कप अटैच करके दिखाऊंगी आपको, सेम ऐसे ही हमें दोनों अटैच करने हैं। तो ये मैंने इसको अच्छे से अटैच कर दिया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे इसको नीचे से पैक करेंगे। तो पैक करने का जो हमारा रीज़न है, यहाँ पे लाइनिंग को मैंने 25 इंचेस हमने यहाँ पे आगे की तरफ रखा है। उसका रीज़न ये है कि हमने इसको आगे की तरफ इसलिए रखा है, जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी लाइनिंग मेन फैब्रिक से नीचे की तरफ दिखाई ना दे। इसको हम एंड तक स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि ये ईजिली ये फोल्ड हो जाए। तो हमने इसको देखिए यहाँ पे एंड तक इसको स्टिच कट लगा दिए हैं और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम अपने आर्म होल को पैक कर देंगे यहाँ पे। तो अब हम इसके यहाँ पे किनारे के ऊपर सिलाई लगाने के बाद फ्रंट के आर्म होल को पैक करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा मोस्ट ऑफ रेडी हो चुका है। उसके बाद हम अपना बैक पार्ट लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस भी लगा लेंगे। तो ये कप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच हो गए हैं। फ्रंट पार्ट बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है और अच्छे से इसको प्रेस करके रख लेंगे। उसके बाद हमने अपने बैक पार्ट में जो हमने पेस्टिंग को अटैच किया था वो हमने ऊपर की तरफ लाइनिंग को रखा है, नीचे मेन फैब्रिक है, फ्यूजिंग किया हुआ ये भी फैब्रिक है। और यहाँ पर किनारे के ऊपर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसको एंड तक यहाँ पर स्टिच कर देना है। और स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि नेक हमारा इजीली फोल्ड हो जाए।
और उसके बाद हम इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे कि मार्जिन हमारा ये लाइनिंग की तरफ ही होना चाहिए, जो हमें कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है जिस पे हमने पेस्टिंग लगाई है वो उसी तरफ हमारा मार्जिन होना चाहिए। तो नेक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें नीचे से इसको पैक करना है। नीचे से पैक करने के लिए वही हम 0.25 इंचेस हम अपनी लाइनिंग को एक्स्ट्रा रखेंगे। रीज़न वही है कि ताकि ये लाइनिंग हमारी नीचे की तरफ दिखाई ना दे। यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगाएंगे और बिल्कुल यहाँ पे लाइनिंग के किनारे के ऊपर मार्जिन लाइनिंग की तरफ ही रहना चाहिए। और अब हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे हम सीधी तरफ। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। आर्म होल को हमें पैक नहीं करना है यहाँ पे। और नेक और नीचे से इसको पैक करने के बाद हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो मेरी पट्टी है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ये छोटी और बड़ी नहीं रहनी चाहिए। ध्यान रहे कि दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर हों। ये मैंने इसको देखिए दोनों को बराबर किया हुआ है। नेक और नीचे से जब भी इसको पैक करना है तो हमें ध्यान रखना है कि छोटी बड़ी ना हो। राइट साइड हमारी हुक आएगी और लेफ्ट साइड हमारी आई आएगी। उसके लिए मैंने पट्टी कट की है। ये मैंने हुक के लिए पट्टी की है। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है और लेंथ में हम इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे। और जो आई के लिए पट्टी, ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कट की है। ये 5 इंच चौड़ी पट्टी है और ये हमारी लेफ्ट साइड में अटैच होगी। तो सबसे पहले हम आई के लिए पट्टी लगाएंगे लेफ्ट साइड में। तो इस पट्टी को ऐसे सीधा रखेंगे और अपने ब्लाउज को भी इसके ऊपर हमें सीधा करके रखना है। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि ये जो मार्जिन है वो इजीली यहाँ पे बैठ जाए। उसके बाद हम इस पट्टी को दूसरी तरफ से भी 1/2 इंच मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे फोल्ड करने के बाद हम निशान लगाएंगे यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट दोनों तरफ और यहाँ पे ऐसे करके सिलाई को चला देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से भी सिलाई चलानी है और एक्स्ट्रा मार्जिन को हमें कट कर देना है। कट करने के बाद ये जो पट्टी है वो मेरी सीधी तरफ फोल्ड होगी और सीधी तरफ फोल्ड होने के बाद हमें इसके किनारे को अच्छे से निकाल लेना है। और निकालने के बाद हम इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये जो मेरी आई के लिए पट्टी है वो कंप्लीट हो गई है। हम इसको अच्छे से प्रेस जरूर करके रखेंगे। हर एक पॉइंट के ऊपर हमें अच्छे से प्रेस करनी है तभी हमारे ब्लाउज में बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। तो अब हम यहाँ पे देखिए हुक्स के लिए पट्टी को ऐसे 1/2 इंच यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम अपनी पट्टी को यहाँ पे सीधा रखेंगे और ब्लाउज को पट्टी के ऊपर उल्टा करके हमें रखना है क्योंकि ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट करेंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और बिल्कुल इसके किनारे किनारे के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी पट्टी हुक्स के लिए रेडी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इजीली यहाँ पे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। तो बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें अपने शोल्डर को ज्वाइंट करना है। जैसे कि मैंने बताया था फ्रंट के आर्म होल को मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है। बैक को ये देखिए पैक नहीं किया है। ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग हैं। इसको खोल के रखेंगे हम और अपने शोल्डर को यहाँ पे रखेंगे। इनविजिबल शोल्डर हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे लाइनिंग को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। यहाँ पे देखिए ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसको एंड तक हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखेंगे कि दोनों तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और फ्रंट से बिल्कुल बराबर ये स्टिच हो गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बैक के आर्म होल को यहाँ पे पैक कर देंगे क्योंकि हमारा शोल्डर यहाँ पे अटैच हो गया है। तो बैक को यहाँ पे और साइडों को इजीली हम यहाँ पे पैक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को ऐसे मिलाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हम हल्का हल्का कट कर देंगे और यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे ताकि जब हम स्लीव लगाएंगे स्लीवलेस ब्लाउज बनाएं तो हमारा यहाँ पे जो ब्लाउज है साइड से वो छोटा या बड़ा ना हो, बिल्कुल इक्वली आए। इसको हमें पहले ही चेक करना है। और यहाँ से भी थोड़ा सा 0.25 इंचेस यहाँ पे बड़ा आ रहा है तो इसको भी कट करेंगे। फिनिशिंग हमें पहले ही कर देनी है अपने ब्लाउज की। उसके बाद हम अपनी स्लीव कट करेंगे। स्लीव के लिए मैंने पैटर्न कट किया हुआ है
और ऊपर की तरफ हम यहाँ पे पफ बनाएंगे जितना हमें यहाँ पे पफ चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 2.5 इंचेस नॉर्मल मार्जिन रखेंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे, लेंथ के बाद 2.5 इंचेस मैंने नीचे की तरफ छोड़ दिया है। उसके बाद जितना हमें पफ चाहिए ऊपर की तरफ, जैसे कि मुझे 1.5 इंचेस का पफ चाहिए तो मैं 3 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखूँगी, और मैंने यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो मुझे यहाँ पर 1.25 इंचेस का यहाँ पे उठा हुआ पफ मिलेगा। यानी जितना हमें पफ लेना है तो उसके लिए हमें डबल कपड़ा यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने रेगुलर साइज़ रखा है 2.5 इंचेस, ये हमारा रेगुलर साइज़ है जो हम आगे की तरफ यहाँ पे कपड़ा छोड़ देंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे, और जो मैंने पैटर्न यहाँ पे कट किया है इस पार्ट को इग्नोर करेंगे, और यहाँ पे जो मैंने पैटर्न लिया है उसको यहाँ पे ऐसे रखना है और अपने आर्म होल में यहाँ पे शेप ऐसे हमें ड्रॉ कर देनी है। शेप ड्रॉ करने के बाद हम साइड से भी इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना आर्म होल यहाँ पे चेक करेंगे, इसका सेंटर हमें कर देना है। सेंटर करने के बाद हम अपने आर्म होल को चेक करेंगे, इस निशान को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे जो हमने सेंटर लिया है, और अब हम अपने फ्रंट आर्म होल को चेक करेंगे। ओनली फ्रंट को हमें चेक करना है, तो ये 9.75 इंचेस आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे भी यहाँ से हमें अपने आर्म होल को चेक करना है, तो ये एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे निशान लगा हुआ है। उसके बाद हम अपने बैक आर्म होल को भी चेक करेंगे, तो ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है 9.5 इंचेस, तो यहाँ पे हम बैक आर्म होल जितना है हमारा वहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हमें जो 2 पॉइंट मिले हैं हमें इसका सेंटर करना है, तो ये हमारा मेन कटिंग का मार्जिन रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कट किस लिए करेंगे, ताकि हमने पूरे शोल्डर का मेजरमेंट लिया है विद मार्जिन के साथ, हमने यहाँ पे अपने स्लीव को कट किया है और निशान भी हमने विद मार्जिन के साथ लगाया है, और ऊपर राउंड शेप देंगे। नीचे से हमें अपने स्लीव को यहाँ पे अच्छे से ये पैटर्न देखिए थोड़ा सा मेरा छोटा है, तो मैं नीचे की तरफ इसको लेके जाऊंगी। पैटर्न छोटा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी हमें स्लीव चाहिए मैं वहाँ तक इसको रखूँगी, और ये शेप थोड़ी तिरछी आएगी तो हमें इसको ऐसे ही रखना है। जब हम अपने स्लीव्स को डालेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, उसके लिए हमें इस निशान को आगे की तरफ बढ़ाना है, और यहाँ पे 2.5 से 3 इंच चौड़ी यहाँ पे एक स्ट्रिप कट कर लेनी है, और यहाँ पे स्ट्रिप को एक्स्ट्रा ही कट करेंगे हम अपने स्लीव से। उसके बाद हम अपनी पूरी स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको नीचे से भी कट करेंगे। ये हमारी पट्टी हो गई है स्लीव को फोल्ड करने के लिए, और इस पट्टी को हमने एक्स्ट्रा कट किया है और साइड से इसको कट कर लेंगे, तो हमारी स्लीव कट हो गई है। स्लीव कट करने के लिए के बाद हमने जो पट्टी कट की थी उसके किनारे को यहाँ पे फोल्ड करेंगे अच्छे से, यहाँ पे इसको छोड़ देना है, और अब हम दूसरी तरफ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम अपनी स्लीव लेंगे। स्लीव में हमने यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा यहाँ पे कट दिया था, तो हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाना है, पूरी प्रॉपर राउंड शेप में सिलाई लेके जानी है, पॉइंट नहीं बनने देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे राउंड शेप में इसको कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद यहाँ पे हम इसके किनारे के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और इसको उल्टी तरफ, इस पट्टी को हम उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अच्छे से इसको प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाने के बाद इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, और सिलाई हमें बिल्कुल फिनिशिंग से लगानी है, और अच्छे से देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है, और अब हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लीट्स बनानी है। मैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स बनाऊँगी, और प्लीट्स बनाने के बाद अब स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करेंगे, और अब ब्लाउज़ के साथ इसको चेक करेंगे। अगर आर्म होल थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें और प्लीट्स डाल देंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने यहाँ पे और थोड़ी सी प्लीट्स डाल दी हैं। उसके बाद हम अपने स्लीव्स को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। एक तरफ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, और हम थोड़ा सा इसको स्टिच करेंगे, पूरे आर्म होल में स्टिच नहीं करेंगे, और अब हम दूसरी तरफ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। वो इसका रीज़न ये है कि ये मेरी जो स्लीव्स है वो चुन्नट वाली स्लीव है, अगर नॉर्मल स्लीव होती तो हम इसको एंड तक स्टिच कर देते, और अब हम अगर ये स्लीव छोटी या बड़ी रहती है तो इसके प्लीट्स हम यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको दूसरी तरफ से स्टिच करना स्टार्ट किया है। उसके बाद हम इसको एंड तक यहाँ पर स्टिच करेंगे, और आप देखोगे कि ये जो स्लीव्स की प्लीट्स हैं यहाँ पे वो कितनी सुंदर और कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आएंगी। अभी मैं इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगी। ये हमने इसको कंप्लीट किया है, कंप्लीट करने के बाद ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पफ यहाँ पे उठ के आएगा। ये देखिए 1.25 इंचेस का मैंने यहाँ पे पफ लिया था, ये
बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी फिटिंग के ऊपर निशान लगाना है और निशान को हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको कट किया था, तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे निशान लगाया है। उसके बाद देखिए कि हमारी स्लीव्स की जो सिलाई है वो बिल्कुल अच्छे से मिल चुकी है। और एंड दिस इज़ दी फाइनल लुक ऑफ डीप नेक ब्लाउज़। अगर आप इसकी कटिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।